हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज से हम आपके लिए लाए हैं टाइपिंग के लेसन और उनके एक्सरसाइजेस, जिनको आप प्रैक्टिस करके मास्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेसन वन का फर्स्ट एक्सरसाइज लाऊंगा। उससे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये एक मैंने टाइपिंग टाइम टेबल चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। तो उसको मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप उसको देख के उसके अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल और रूटीन बना सकते हैं टाइपिंग के लिए। आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जैसे सहूलियत हो वैसे आप टाइपिंग सीख सकते हैं। इस चार्ट को मेरे को वीडियो के दौरान बताने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। वीडियो के दौरान इस चार्ट का एक शॉर्ट नोट मैं आपको बता दूंगा, और इसको एक्सप्लेन अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए इस चार्ट को मैं आपको समझाता हूँ, और इसमें क्या टाइम टेबल, मिनट, आवर्स, डेज, ये क्या लिखे हैं, मंथ मंथ, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बिजी लाइफ में हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, जिससे कि हम अपने और दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस चार्ट को लाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तब भी आप टाइपिंग सीख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तब भी आप टाइम देके उसको टाइपिंग सीख सकते हैं। इस चार्ट को आपको समझा देता हूँ कि आपको टाइपिंग किस हिसाब से करनी है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर एक तरफ लिखा है 1 to 6 तक, और दूसरे रो में टाइम लिखा है मिनट में, तीसरे में लिखा है डेज, आवर्स और टोटल एक्सरसाइज, टोटल मंथ और टोटल डेज और टोटल आवर्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फर्स्ट सीरियल नंबर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको आधा घंटा एक दिन देना है, और 8 दिन तक जो आपको एक्सरसाइज मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो हर एक्सरसाइज को 8 दिन तक उसको आधे आधे घंटे प्रैक्टिस करने हैं दिन में। तो टोटल आप जो है टाइम देंगे वो 4 घंटे देंगे, आप जोड़ लीजिए। तो अगर आप 8 दिन तक आधे आधे घंटे टाइम देंगे, तो टोटल आपने 4 घंटे एक एक्सरसाइज को दिए हैं। तो टोटल हमारे पास 50 एक्सरसाइज है, जिसके लिए आपको टोटल जो टाइपिंग सीखने के लिए जो होगा वो 14 मंथ लग जाएंगे, और टोटल डेज जो होंगे 400 दिन हो जाएंगे, और टोटल आवर्स जो होगा वो 200 हो जाएगा, मतलब 200 घंटे लग जाएंगे सारा कंप्लीट सीखने में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को कम टाइम दे के सीखेंगे, तो ऑब्वियस है उसके लिए फिर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं तो आपको फिर वो टाइम फिर कम लगेगा सीखने में। तो उसी के अकॉर्डिंग ये है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा टाइपिंग करने का जो टाइम है वो धीरे धीरे फिर मैंने बढ़ा रखा है। मतलब फिर आपको आधे आधे घंटे 2 दिन देने हैं, फिर 1 घंटा 1 दिन देना है, 1 घंटा 2 दिन देना है, और वैसे फिर 2 घंटे 1 दिन देना है, 1 दिन में ही 2-2 घंटे देने हैं। तो आप जैसे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि आपको नंबर ऑफ़ डेज जो है लास्ट में वो कम लग रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपका टोटल आवर्स तो 200 ही रहेगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी इसमें से पकड़ लीजिए, आप टोटल टाइम अपना जो एफर्ट है वो 200 घंटे ही दे पाएंगे इसमें। लेकिन यही है कि अगर आप कम टाइम दे के टाइपिंग सीखेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ डेज जो है वो ज़्यादा लगेंगे, और अगर आप ज़्यादा टाइम दे के टाइपिंग सीखेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज जो है वो कम हो जाएंगे बस आपके। बाकी आवर्स तो देखिए, वो फर्स्ट कैटेगरी में भी सेम है 200 घंटे, और लास्ट कैटेगरी में भी 200 घंटे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो यही है टाइम टेबल दोस्तों, कि अगर आपके लाइफ बिजी है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो कम टाइम दे के भी आप टाइपिंग अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट या खाली बैठे हैं घर पर, तो आप ज़्यादा टाइम दे के भी टाइपिंग जल्दी सीख सकते हैं। आपका लगभग 2 महीने के अंदर ही कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से एक कैटेगरी चुन लीजिएगा जो आपको बेस्ट सूट करे, और उसी हिसाब से आप आगे की हमारी जो लेसन्स आने वाली हैं, एक्सरसाइज आने वाली है, उसको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा उस हिसाब से। आप चाहें तो इस चार्ट का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपको ये चार्ट पसंद नहीं है तो आप जिस हिसाब से भी टाइम दे सकते हैं आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप बीच में ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे फिर आपको भूलने लगेंगे वो कीज़। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपका हाथ बैठ जाएगा प्रॉपर, और उसके बाद फिर आप
अच्छी तरह से टाइपिंग कर पाएंगे बिना कीबोर्ड देख के। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।